बेस्ट लैपटॉप फॉर डेवलपर्स के लिए। तो भाई अगर आप एज अ डेवलपर काम करो एंड अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो एंड भाई अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा फॉर क्रिएटर्स के लिए एंड फॉर डेवलपर्स के लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है HP 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ यार, मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसेज करते हैं जिनको HP का लैपटॉप चाहिए होता है या जिनको डेल का ही लैपटॉप चाहिए होता है। अगर आप भी उनमें से आते हो, अगर आपको भी भाई HP का ही लैपटॉप चाहिए तो HP 14 आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अभी इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, व्हाइट कलर में, सिल्वर कलर सॉरी आता है, एंड इसका ब्लैक कलर देखने को भी मिल जाता है। तो ब्लैक कलर में मुझे ज़्यादा सूट किया, तो अगर आपने जाना है तो ब्लैक कलर देख लेना है। उसके बाद हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 16 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो कि मैं एवरेज कह सकता हूँ। इसकी इतनी भी मतलब डिस्प्ले जो है वो तगड़ी नहीं होती, एंड आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 40,000 के बजट में बहुत तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर की बात करें, आपको i3 11th जनरेशन के साथ देखने को मिलेगा, तो लेटेस्ट प्रोसेसर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। i3 जो 11th जनरेशन है सच में बहुत तगड़ा है। आपने जो भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको इसमें SSD ही देखने को मिलेगी। SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर आप डाटा वगैरह ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हो वो जल्दी हो जाता है एज कंपैरिजन किया जाए HDD के साथ, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। तो भी अगर आपने ऑफिस वर्क करना है, उसके बाद भी अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है आप इस लैपटॉप पे कर सकोगे। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम जो है वो अपग्रेड कर लेनी है 8GB रैम की, और आपने नहीं जाना अगर आपने कोई भी हैवी भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो 10 मिल जाएगी। बैटरी की बात करूँ, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 41,000 के बजट में HP 14 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए HP 14 के, प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ मैंने सभी लैपटॉप्स के जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने चेकआउट करने हैं आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपने परचेज करने हैं, देखना चाहते हो, डीपली देखना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखी है MI नोटबुक 14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है एंड बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी है। उसके बाद अगर आपका कोई काम ऐसा करते हो कि आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तब भी आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद आपको i5 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ, तो प्रोसेसर आपको तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है या गेमिंग वगैरह भी करनी है आप इस लैपटॉप पर कर सकते हो, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप इस लैपटॉप पर जो ईजिली नॉर्मली कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिलेगी। SSD का बेनिफिट मैंने आपको पहले बता दिया। ग्राफिक कार्ड की बात हो, आपको इंटर UHD ग्राफिक देखने को मिल जाता है, प्लस आपको MX 350 2GB भी देखने को मिलता है। लेकिन 2GB ग्राफिक कार्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो आपको मिल जाएगा 47,000 के बजट में, जो कि अपने बजट से ऊपर चल जाता है, ठीक है। पुरानी सिस्टम की बात हो, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा, प्लस आपको 60W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस भी आपको 41,000 के बजट में MI नोटबुक 14 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया MI नोटबुक 14 के। अभी माइनस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, तो माइनस पॉइंट सिर्फ इसका ये देखने को मिलता है कि जो रैम है उसको आप अपग्रेड करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, या अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, या अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आप रैम को अपग्रेड करना चाहोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। इस लैपटॉप का सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है, तो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर फोर पर रखा, और कोई भी रीज़न नहीं है, ठीक है। अगर आपको 8GB रैम मिनिमम है ना, तो भाई आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो, बहुत तगड़ा लैपटॉप देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i को। सबसे पहले इसको नंबर थ्री पर रखने का ये रीज़न देखने को मिलता है कि ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 37,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। 37,000 के बजट में, प्लस आपको इसके साथ लिनोवो बैग भी देखने को मिल जाता है, जो कि लैपटॉप बैग है। अगर आपने अपने लैपटॉप को कैरी करना है आप इस जो बैग में है वो कर सकते हो। प्लस भाई इसका प्राइस रेंज बहुत सही है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए आपको स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करता, मैं इसके जो मेन स्पेसिफिकेशन है
वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डीपली हम बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात, उनको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बातों को i3 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, आपको 11th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो i3 अगर 10th जनरेशन के पास भी चल जाए तो यार वो भी प्रोसेसर बहुत तगड़ा, मैंने लिंक प्रोवाइड किया, एक बार आप इसको चेकआउट जरूर करना, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 12GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस भी मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूँ, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 37,000 के बजट में लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i के भी, प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ अगर आप 5% या 10% ऑफ ले लेते हो HBI कार्ड पे या SBI कार्ड पे, इसका प्राइस आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, आपको 5% जो है ऑफ मिल जाता है, मतलब 5000 का आपको लेस मिल जाएगा, तो इसका बजट हो जाएगा 32,000 के बजट में। एंड अगर मैं लिनोवो बैग की बात करूँ ना, उसका प्राइस आपको 2000 देखने को मिलता है, तो जो कि आपके लिए ही प्लस पॉइंट है, स्पेसिफिकेशन भी तगड़े मिल जाते हैं, उसके बाद इसका प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा सही है। यार कई बंदे होते हैं, अगर आप 40,000 भी पे नहीं कर सकते, आपके लिए मैं लैपटॉप ये वाला बताया, इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 3 पे। लैपटॉप पूरा लोडेड, अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस लिनोवो ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है यार, बहुत लोग पसंद करते हैं। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 30,000 से लेकर 60,000 तक हो जाता है ना इस प्राइस रेंज में, लिनोवो हो गया, असूस हो गया एंड एसर हो गया, बहुत ही सही प्रोवाइड कर देता है अपने कस्टमर्स को। तो यार लिनोवो ब्रांड है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला, आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पर यार मैंने रखी है असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले भाई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। एंड स्पेसिफिकेशन भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं, आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट डील हो जाएगी। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो मैं जितने भी आपको लैपटॉप बता रहा हूँ ना, सभी में आपको 16 रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलती है, इतने प्राइस रेंज में भाई इतना भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलेगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है। उसमें आपको बता देना चाहता हूँ, असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 जो है वो 2020 मॉडल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, उनको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं, आपको 6 टू 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, 40,000 के बजट में असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 देखने को मिल जाएगी। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 के भी, अगर आप इस लैपटॉप की ओर चले जाते हो, ये लैपटॉप भी बहुत तगड़ा हो जाता है। एंड इसके बजट रेंज की बात करूँ, आपको 41,500 के बजट तक आपको ये लैपटॉप मिल जाता है, आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिल जाता है, 8GB रैम मिल जाती है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, प्लस आपको एक स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन वगैरह भी मिल जाता है। तो भाई अगर आपको वो चीज़ मैटर करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है असूस की ओर, आप जा सकते हो, जैसे भी आपने काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना, आप इजीली नॉर्मली स्मूथली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आने वाली। अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ गेमिंग के लिए इतना खास नहीं कर रहा, अगर आपने करनी है कर सकते हो, लेकिन आपने 16GB रैम की और मिनिमम चल जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पर यार मैंने रखी है एसर इंस्पायर 5 को। तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो लिनोवो हो गया, असूस हो गया एंड जो एसर हो गया, वो बहुत सही चीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, प्लस इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो जाता है 40,000 से, तो आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ, 45,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा एंड स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं। अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i5 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ, ठीक है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड मैं SSD की बात करूँ, तो आपको 256 भी देखने को मिल सकती है एंड आपको 512 भी देखने को मिल सकती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो भी आपने लेनी है आप ले सकते हो, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 512GB अगर आप लेते हो, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX 350 देखने को मिलेगा जो कि 2GB के साथ आता है।
बात है भाई, अगर आपने गेमिंग भी करनी है, नॉर्मल साइडिंग भी आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 45,000 के बजट में एसर एस्पायर 5 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिए, एसर एस्पायर 5 के भी अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, एसर लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपका बजट 41,000 है या 40,000 है, आपके लिए ASUS लैपटॉप बेस्ट डील हो सकती है। एंड अगर आपका बजट 35,000 है तो लिनोवो लैपटॉप आपके लिए बहुत तगड़ा हो जाता है। तो यार अभी मैंने आपको 35,000 से लेके 40,000 से अपर भी जो बजट है उसके बारे में भी आपको बता दिया। तो आप देख लेना, जो भी लैपटॉप आपको सही लगता है आप इनमें से जा सकते हो। अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, जहाँ अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आप इन लैपटॉप पर कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना। प्लस भाई अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर मेरा रिप्लाई जल्दी नहीं आता, इंस्टाग्राम आईडी मेरी दी हुई है, वहां पर मैसेज कर लेना, वहां पर मैं रिप्लाई जल्दी कर देता हूं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।